What's up? This is Minu Binigiri back again with another video. और जैसा कि हमने अभी तक बात किया था 5D of life, you know, cosmic consciousness, और मैं हूं, मैं नहीं हूं, मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं कुछ नहीं हूं. This is ocean of love known as nothingness. This is me, I am not world's first spiritual entrepreneur. ये सब तो है टॉप लेवल इन्फॉर्मेशन. इससे ऊपर जाना एक इंसान के लिए असंभव है. ये है फिफ्थ डायमेंशन, एब्सोल्यूट साइंस, जिसकी अभी तक दुनिया में बहुत कम लोग बात करते हैं. मैं अकेला नहीं हूं. ये वो है जहां पे ब्रह्मांड की क्रिएशन होती, जिसे हम कहते हैं नथिंगनेस, डार्कनेस, जहां पे जितने योगी हैं, सुप्रीम बींग्स हैं, वो यहीं रहते हैं, उनका घर है. दे ऑपरेट फ्रॉम हियर, दे प्ले विद एनर्जी, दे प्ले विद कॉन्शियसनेस, एंड दे क्रिएट द वर्ल्ड इन विच वी लिव. हम तो सिर्फ एक माध्यम है, हम तो सिर्फ कठपुतलियां हैं जो जीतते हैं. अब वो कठपुतलियां जीती कैसे? कैसे लगता है कि यार हम जीवन में कुछ कर रहे हैं? जिंदगी यही है, प्यार यही है, आजादी यही है, बट हम बाकी डायमेंशन में घूमते रहते हैं. वो बाकी डायमेंशन कौन से हैं? ये तो हो गया एब्सोल्यूट साइंस, डार्कनेस, नथिंगनेस, ओशन ऑफ लव, सीड ऑफ लाइफ, यू ये सब यहाँ पे. जीरो एंड फिफ्थ डायमेंशन, यही शुरुआत है, यही अंत है. ये जिसको समझ में आ गया तो अल्टीमेट भी यही है, एंड भी यही है, बिगिनिंग भी यही, जो शुरुआत है यही जाना. जो यहाँ पहुंच गया वो मुक्त है, और जो यहाँ रहता है वो भगवान है. तो अपन तो सिर्फ माध्यम है. नेक्स्ट डायमेंशन इज आउटसाइड. इफ यू गो टू द मॉडर्न साइंस, जहां पे एक तरफ है स्पेस टाइम, दूसरी तरफ है क्वांटम फिजिक्स, हाइजेनबर्ग और आइंस्टाइन, इन स्टीफन हॉकिंग और इनसे भी बड़े बड़े लोग जो भी इस दुनिया में खोज कर रहे हैं, जो अंदर की तरफ इस डार्कनेस की में लाइट लेकर खोज कर रहे हैं. बट वो कभी खोज नहीं पाएंगे इसको, क्योंकि ये सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, इसको ढूंढा नहीं जा सकता, ऐसा सिर्फ जिया जा सकता है, तभी जाना जा सकता है. इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. दिस इज द सोर्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन, दैट इज द प्रॉब्लम. दिस इज द सुप्रीम कॉन्सियसनेस. इसके पीछे जितना जाओगे उतना ही चलता जाएगा. ऑल दिस प्लस वन. इसके सामने सरेंडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसीलिए दूसरा डायमेंशन जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये नहीं साइंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, I=S+C, जहां पे आप अपने अंदर, यू क्लोज योर आईज, उसके बाद जो कुछ भी होता है वो यहाँ पे होता है. और जब आप अपने आंखों को बंद करके अपने मन को खाली कर देते हो, दिमाग को खाली कर देते हो, देन यू रियलाइज यार कुछ नहीं है, सब तो मोहमाया है. देयर इज नथिंग दैट इज रियल, एवरीथिंग इज इल्यूजन. सो नथिंग इज एवरीथिंग. यू मूव फ्रॉम हियर टू हियर. सो दीज आर द टू डिफरेंट वर्ल्ड्स. एक आउटर से इनर की तरफ आना है, आउटर टू आउटर मतलब स्पेस टाइम. दिस इज फ्रॉम आउटर, फ्रॉम योर माइंड टू द सुप्रीम सोर्स, सोल, अंदर से अंतरात्मा तक. ये है. नेक्स्ट इज द अदर डायमेंशन इज द बिजनेस वर्ल्ड, जहां पे इनसे जो टेक्नोलॉजी डेवलप होती है या इनसे जो इनोवेशन और इन्वेंशन होते हैं, खोज करते हैं और बाहर देते हैं, तो उसको हम लोगों तक पहुंचाते हैं और पैसा बनाते हैं. पावर है, पॉलिटिक्स है, ये सब चीजें यहां पर आती है जो बिजनेस वर्ल्ड में. इसको समझने के लिए हमें बाद में समझना है रॉकेट साइंस. नाउ थिंग इज कि अब इधर आते, दूसरी तरफ एक दुनिया है जहां मेजोरिटी ऑफ जनता रहती है. यहाँ पे क्या है? हमारी दुनिया, जहां पर लोग रहते हैं, परिवार होते हैं, रिश्ते होते हैं, बच्चे होते हैं, दोस्त यार होते हैं, ये सब चीजें यहाँ होती है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट. अब यहाँ पे क्या होता है यार कि लोग परेशान है अपनी जिंदगी में, करे क्या, सवाल बहुत है. कभी यहाँ पढ़ते इसके बारे में है, चाहिए ये पैसा, इसके बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं, करते क्या है, कुछ नहीं, जो कहा जाता है वो किया. कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास, एक्टिविटी बहुत कम है. अब उससे फ्री होने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल है. सबसे जरूरी है कि हमको ये पता हो कि आज मेरी करंट पोजीशन क्या है, आज मेरे पास क्या है, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल पे हो, चाहे स्पिरिचुअल लेवल पे हो, चाहे इमोशनल लेवल पे हो, चाहे मेंटल लेवल पे हो, चाहे मेरे दोस्त यार हो, चाहे मेरे परिवार हो, चाहे मेरी एजुकेशन हो, कुछ भी, कि मेरे पास आज है क्या एक्चुअली में, जो मेरा है, जो मेरे अंदर है, जिसका इस्तेमाल मैं कभी भी कर सकता हूं. और पता लगेगा कि कुछ नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन मेरे अंदर सिर्फ वही मेरा है, बाकी तो सब रिसोर्सेस हैं जिसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ कुछ बनाने के लिए. उससे मैं इनोवेशन कर सकता हूँ, उससे मैं पैसे भी कमा सकता हूँ, उससे मैं अपने परिवार को भी खुश रख सकता हूँ, उससे अपने आप को भी आजाद कर सकता हूँ और भगवान के साथ भी रह सकता हूँ. बट उसके लिए डिफाइन करना है कि मैं आज कहाँ हूँ और मैं कहाँ पहुंचना चाहता हूँ. वंस आई रियलाइज कि यार मेरे पास पैसे की कमी है, या मेरे परिवार में खुशी नहीं है, या मैं ही खुश नहीं हूँ, या मुझे भगवान बुला रहे हैं, या तो मुझे कुछ इनोवेशन करना है, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, मैं कुछ अच्छा बना सकता हूँ जो लोगों के लिए भले कर सकूं, तो मैं उसको करूं. तो करूं कैसे? उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि आज मेरे पास क्या है और मुझे कहां पहुंचना है. इस डायमेंशन में आना है, इस डायमेंशन में आना है, इस डायमेंशन में आना, इस डायमेंशन में आना, कहां जाना है, मैं कहां हूं और कहां पहुंचना हूं. जब मेरे बिगिनिंग और एंड फिक्स हो गया, जो कि यही है, यहाँ पे अगर हम नहीं रहना चाहते हो, इन डायमेंशन में हो, तो फिर अगर यही है तो आप क्या करोगे? बिगनिंग एंड एंड, उसके बीच का रास्ता, वन पॉइंट स्टार्ट, वन पॉइंट एंड, वहां से वहां तक जर्नी, वन राइट, वन पॉइंटेड रूट, स्ट्रेट लाइन,
दिस इज पिन पॉइंटेड थ्योरी, यहां से वहां बाकी सब कुछ छोड़ दो, एक ही तो काम करना है, उसी से पैसा भी आएगा, नाम भी आएगा, इज्जत भी आएगी, शोहरत भी मिलेगी, शांति भी मिलेगा, परिवार भी बसेगा, सब कुछ होगा, खुशियां भी फैलाने का मौका मिलेगा। वो एक ही थ्रेड है, उसको पकड़ लो कि मेरी पोजीशन क्या है, फिर मेरी डायरेक्शन क्या है, एंड देन उसके अराउंड मोमेंटम बिल्डअप करते चले जाओ। बस करते 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 तूफान छोटा सा एक उठता है, लेकिन फिर आंधी तूफान बदल जाता है, हवा के धोखे ही आंधी तूफान में बन जाते हैं। सो शुरुआत कैसी भी हो डजंट मैटर, अंत अच्छा होना चाहिए, लेकिन उसके लिए शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। सो यू हैव टू नाउ स्टॉप थिंकिंग, जस्ट टेक योर पेन एंड मार्क इट कि आप इन चारों पांचों डायमेंशन में से कहां हो। अगर आप यहां हो तो ये सब कुछ आपके लिए है ही नहीं, ये सब मोहमाया है, आप सुप्रीम हो, आपके सामने तो मैं नतमस्तक होकर सलाम करता हूं। लेकिन इनके अलावा कहीं हो तो मेरा काम यह है कि आपको बताया जाए कि आपको यहां आना है। व्हेन यू रीच हियर यू बिकम सुपर कंप्यूटर, योर कॉस्मिक कंप्यूटर, यू कैन एनालाइज एनीथिंग एंड यू कैन डू एनीथिंग, बिकॉज एक एक करके ही करना है और करते जाना है। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपको क्या चाहिए, कहां पहुंचना चाहते हो इन डायमेंशन में से, और उनके अकॉर्डिंग एक काम पकड़ो उसको करते चले जाओ। तो बेटर ये होगा कि नाउ सिट बैक रिलैक्स एंड जस्ट डाइव इन एंड ऑब्जर्व डीप इनसाइड यू, बस उसके बाद इनमें से अपना डायमेंशन चुनो, कहां पहुंचना है, कहां हो, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। सो लाइफ इज सॉर्टेड ओनली इफ यू नो हाउ टू सॉर्ट इट, एंड दिस इज अ वे, जस्ट मार्क योर करेंट पोजिशन एंड मार्क योर एंड पॉइंट एंड देन चूज द पाथ व्हाट एवर यू वॉन्ट टू डू। एंड सबसे बड़ी बात, आपको ये जान के मजा आएगा ना कि मंजिल की फिक्र क्यों करते हो, रास्ते की फिक्र क्यों करते हो, जब मंजिल तुम ही हो। सिंपल एज दैट, रास्ते की फिक्र मत करो, तुम यहीं हो और यहीं आओगे, बस चक्कर पूरा करके आओ, यहां से यहां जाओ चाहे यहां से आओ, बट जाओ और आओ और करके देखो अच्छा लगेगा। और अपने अपने अच्छाई करने में और सच्चाई का साथ देने में, खुद को जानने में, अपनाने में, समझने में और लोगों को जीना सिखाने में, जाग जाने में कोई बुराई नहीं। आमीन।